नमस्ते, नमस्कार, हेलो एवरीवन, नमस्कार, ग्रीटिंग। नमस्ते, मैं रुद्र घोषाल कक्षा 5वीं का छात्र हूँ। आपके समक्ष पर्यावरण के बारे में कविता के कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पेड़ों की छाया में ही तो पंछियों का रैन बसेरा है, पेड़ों की छाया में ही तो पंछियों का रैन बसेरा है। इनके होने से हम हैं और कहते हैं कि ये जीवन मेरा है। इनके होने से हम हैं और कहते हैं कि ये जीवन मेरा है। गौर से देखो इन्हें, ये भी तो कुछ कहते हैं। गौर से देखो इन्हें, ये भी तो कुछ कहते हैं। फूल, फल, हवा, सुगंध, ये सब देते रहते हैं। फूल, फल, हवा, सुगंध, ये सब देते रहते हैं। मीठे मीठे फल इनके हम बच्चों को कितने भाते हैं। मीठे मीठे फल इनके हम बच्चों को कितने भाते हैं। इनका ही तो रस लेकर भावरे मस्त मगन हो जाते हैं। इनका ही तो रस लेकर भावरे मस्त मगन हो जाते हैं। पत्तियां कभी ताजी हरित कर सुनहरी हो जाती है। पत्तियां कभी ताजी हरित कभी सूख कर सुनहरी हो जाती है। इन्हें देखकर कोयल भी तो देखो नगमे कैसे गाती है। इन्हें देखकर कोयल भी तो देखो नगमे कैसे गाती है। इनको जो घर काट गिराया कैसे मिलेगी तुमको छाया। इनको जो घर काट गिराया कैसे मिलेगी तुमको छाया। दर्द इन्हें भी होता होगा, चोट इन्हें भी लगती होगी। इनको जो घर काट गिराओगे तुम भी तो ना बच पाओगे। इनको जो कर काट गिराओगे तुम भी तो ना बच पाओगे। जो समझेगा दर्द को इनके प्रकृति पुत्र वही कहलाएगा। जो समझेगा दर्द को इनके प्रकृति पुत्र वही कहलाएगा। इनके बिना ना जीवन अपना, इनकी रक्षा काम है अपना। इनके बिना ना जीवन अपना, इनकी रक्षा काम है अपना। हर एक जो पेड़ लगाएगा वो नेक काम कर जाएगा। हर एक जो पेड़ लगाएगा वो नेक काम कर जाएगा। जो समझेगा दर्द को इनके प्रकृति पुत्र वही कहलाएगा। प्रकृति पुत्र वही कहलाएगा। धन्यवाद। Hi there. Thank you for watching the video. I hope you liked it. If you did, please hit the like button and share the video with your family and friends. At the end, don't forget to subscribe to the channel, please. If you did not like it, please let us know what we could improve upon in the comment section. Remember that we have a responsibility to take care of our children, to help and motivate them to write, think and perform better poetry. Having that in mind, this Children's Day we are bringing to you a collection of 5 special poetry performances in our Kavitabol specials episode, so stay tuned for that and do watch it. We'll see you in the next video. Until then, stay safe and keep loving Kavitabol. Thank you.